हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। और मेरा नाम है धर्मेंद्र गौड़। आज हम डिस्कस करेंगे 29 अगस्त 2018 के करंट अफेयर और उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड जीके और स्टैटिक फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के करंट अफेयर की। तो आज का पहला करंट अफेयर है 29 अगस्त 2018 का कि एशियन गेम्स 2018 में जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में गोल्ड जीत लिया है किसने? नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ये वही प्लेयर हैं जिन्होंने इस साल के कॉमनवेल्थ गेम्स में यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भी गोल्ड मेडल जीता था। तो आपको याद ये रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 वो कहाँ हुआ था, आपको मालूम होगा गोल्ड कोस्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया में है वहाँ हुआ था ये 21वां कॉमनवेल्थ गेम्स। तो नीरज चोपड़ा की खास बात ये है कि ये ऐसे दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही साल में कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स दोनों में गोल्ड जीता है, ऐसे भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले थे मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह ने भी एक ही साल के अंदर कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स दोनों में गोल्ड जीता था। अभी दूसरे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने एक ही साल के अंदर कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है। मैं भारतीय की बात कर रहा हूँ, अन्य किसी की नहीं, ठीक है। अब कॉमनवेल्थ की बात हो रही है तो 21वां कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 जो है वो कहाँ हुआ? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। और 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का जो होगा वो कहाँ होगा? वो होगा बर्मिंघम इंग्लैंड में। दोनों ही महत्वपूर्ण है, याद रखिए, इनके स्थान जरूर याद रखिएगा कि वेन्यू क्या होती हैं, ठीक है ना। और एशियन गेम्स 2018 का वेन्यू आप सभी को मालूम ही होगा कहाँ है, जकार्ता और पेलेम्बर्ग इंडोनेशिया के दोनों शहरों में है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, लखवाड़ परियोजना, ये नई परियोजना स्टार्ट हुई है और ये कहाँ हुई है? ये यमुना नदी में पर बनेगा ये लखवाड़ परियोजना। इसमें बेसिकली एक बांध बनेगा कॉन्क्रीट का जिसकी ऊंचाई लगभग 204 मीटर होगी, ठीक है ना। और ये किस राज्य में बनेगा? उत्तराखंड में बनेगा। तो लखवाड़ परियोजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से। किस नदी पर? यमुना नदी पर, ये याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हाई लेवल का बनाएंगे तो बांध की ऊंचाई भी पूछ सकते हैं, 204 मीटर, ठीक है ना। ये जो परियोजना है वो हमारे जो मंत्री हैं सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके अंतर्गत है ये परियोजना। तो नितिन गडकरी याद रखिए और उनका मंत्रालय याद रखिए और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी याद रखिए, लोकसभा मेंबर है नागपुर महाराष्ट्र से, ठीक है ना। सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्री हैं नितिन गडकरी, लोकसभा मेंबर हैं नागपुर महाराष्ट्र से, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कंपनी एक्ट 2013 के तहत अपराध से निपटने वाले जो मौजूदा ढांचा था उसकी समीक्षा करने के लिए एक नई समिति बनाई गई है। उस समिति का नाम क्या है? समिति का नाम है इन जेती श्रीनिवास समिति। देखिए कोई भी समिति होती है उसका जो अध्यक्ष होता है उसी अध्यक्ष के नाम पर समिति का नाम होता है, यह हमेशा याद रखिए। तो इस समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं इंजेती श्रीनिवास। ये जो इंजेती श्रीनिवास हैं वो कॉरपोरेट सचिव हैं। क्या है? कॉरपोरेट सचिव हैं। तो कॉरपोरेट सचिव की जब बात हो रही है तो कॉरपोरेट मंत्री की भी बात करें, वित्त व कॉरपोरेट मंत्री हैं अरुण जेटली। देखिए इससे पहले जो वित्त और जो फाइनेंस और कॉरपोरेट मिनिस्टर थे अपने, वो कौन थे? वो थे पीयूष गोयल। एक्चुअल में तो अरुण जेटली ही हैं लेकिन इनकी जो किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया था पीयूष गोयल को, अब वापस से अरुण जेटली आ गए हैं तो उनको ये मंत्रालय लौटा दिया गया है। तो वित्त व कॉरपोरेट मंत्री कौन है? यहाँ पर अरुण जेटली हैं, ठीक है, यानी कि फाइनेंस और कॉरपोरेट मिनिस्टर कौन? अरुण जेटली। ये राज्यसभा मेंबर हैं यूपी से, ये याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी जरूर। राज्यसभा मेंबर है कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट बात करें, भारत और केन्या के संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक हुई है। किस किस के बीच हुई है? भारत और केन्या के बीच में। कहाँ हुई है? नैरोबी में। कौन से नंबर की बैठक है? 8वें नंबर की बैठक है, ठीक है ना। नैरोबी एक्चुअल में केन्या की कैपिटल है, तो केन्या के नैरोबी शहर में ये जो है वो 8वीं बैठक हुई है। केन्या की कैपिटल नैरोबी हो गई, करेंसी सेलिंग है, ठीक है ना। केन्या की कैपिटल नैरोबी, करेंसी सेलिंग। ये जो समिति हुई है वो एक्चुअल में जब व्यापार समिति है तो बात कर लेते हैं हमारे वाणिज्य व उद्योग मंत्री की, वो कौन है? सुरेश प्रभु है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री कौन है? सुरेश प्रभु है। इन पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय का यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का भी अतिरिक्त प्रभार है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये वाणिज्य व उद्योग मंत्री हैं सुरेश प्रभु। ये राज्यसभा मेंबर हैं आंध्र प्रदेश से, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश राज्य को रिप्रेजेंट करती हैं राज्यसभा में सुरेश प्रभु, ओके। नेक्स्ट है नंबर 5, स्वदेश दर्शन योजना कब शुरू हुई थी? 2014-15 में। इसका ईयर याद रखिएगा क्योंकि अभी कुछ समय चर्चा में रही है। तो स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में शुरू हुई थी। यहाँ इसके पर्यटन मंत्री कौन है, या ये कहें कि स्वदेश दर्शन योजना चूंकि पर्यटन से टूरिज्म से रिलेटेड है तो टूरिज्म मिनिस्टर
या पर्यटन मंत्री हैं अपने केजे अल्फोंस, और ये जो राज्यसभा मेंबर हैं राजस्थान से। वैसे तो केजे अल्फोंस केरल से बिलोंग करते हैं, लेकिन प्रेजेंट में ये राज्यसभा मेंबर बनाए गए हैं राजस्थान से। ओके, नेक्स्ट बात करें 2018-19 की जो पहली तिमाही थी, नेक्स्ट एंड लास्ट है आज का, कि 2018-19 की जो पहली तिमाही थी, तिमाही क्या होती है? 3 महीने की होती है। जो फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर चलता है, जो वित्तीय वर्ष चलता है, वो 1 अप्रैल से लेकर जो है 31 मार्च तक चलता है। हमेशा याद रखिएगा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक नहीं होता, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो है वो फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष चलता है। तो पहली जो तिमाही थी अप्रैल से लेकर जून तक, अप्रैल मई जून, इसमें भारत में जो अधिकतम एफडीआई निवेश किया गया है, सॉरी, अधिकतम एफडीआई निवेश किया गया है, वो किया गया है सिंगापुर से। ठीक है, किस देश ने किया है एफडीआई निवेश? सिंगापुर से। एफडीआई बेसिकली क्या है? एफडीआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, हिंदी में कहें तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, या इंग्लिश में कहें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका फुल फॉर्म है। इसकी जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले, तो वो हुई थी 1991 में। ठीक है ना, 1991 में उस समय के जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FEMA। तो इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, FEMA का, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा FDI को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन वर्तमान में जो FDI चल रहा है, इसके जो है वो बाद में कई एक परिवर्तन हुए हैं, कई एक प्रारूप तैयार हुए हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद है आज का जो है वो सेशन आपको पसंद आया होगा, हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की हैं। तो आप जो है इसी तरह से वीडियो को हमारे देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप आज की वीडियो में से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, चलिए, कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो होने वाला है, वो ऑब्वियसली 22वें नंबर का कॉमनवेल्थ गेम्स है, वो कहाँ होगा, उसका वेन्यू क्या है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी प्रकार हम कल मिलेंगे, वीडियो की PDF जो है आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं, थैंक यू, गुड बाय।